अमेरिका के अंदर एक रियासत में, जब मैं गया तो जून जुलाई में वहां उर्स होता है सरकार का, तो वहां एक खानकाह है, उनका बुजुर्ग का नाम है अब्दुल रहीम अब्दुल कादिर, ये उन बुजुर्ग का नाम है, बहुत बड़ा रोजा मुबारक अमेरिका का। तो जब वहां पे हाजिरी हुई, मैं सिर्फ गया था कनाडा, और कनाडा से उर्स की हाजिरी के लिए कनाडा से फिर मैं अमेरिका गया। मैंने अपने दोस्तों से ये कहा था, मैंने कहा मैं उर्स में हाजिर होऊंगा, मैं देखूंगा कि उन्होंने किस तरह काम किया है अल्लाह के दीन का, और निस्बत गौसे पाक का, और सरकार की मोहब्बत का दर्स किस तरह दिया। तो जाकर मैंने देखा 200 घरानों से ज्यादा लोग तकरीबन एक ही शक्लो सूरत के और एक ही नाम से बोले, हर एक के नाम अब्दुल कादिर रखा, कोई भी नाम है आगे अब्दुल, इब्राहिम अब्दुल कादिर, यूसुफ अब्दुल कादिर, याकूब अब्दुल कादिर। जब पूछा आप कौन लोग हो, कहते हम तो नस्लन यहूदी थे, ये अब्दुल रहीम अब्दुल कादिर श्रीलंका से यहां आए, ये गौस बाग के फकीर है, उन्होंने ऐसे प्यार से दावत दीन दी कि हमने यहूदीयत छोड़ दी और इस्लाम कबूल कर लिया। आपके सामने ये बात कर रहा हूं और पूरा पता बता सकता हूं कि कौन सी जगह है। आपका कोई अजीज हो, रिश्तेदार हो जो अमेरिका में रहता हो, आप कह सकते हो कि जाकर चेक कर लो कि अब्दुल रहीम अब्दुल कादिर जिन बुजुर्गों का ये जिक्र कर रहा है, जून जुलाई के अंदर उनके दरबार की क्या कैफियत है, और हर महीने की 11 को वो तमाम नस्ली यहूदी थे मगर रंग गौस पाक का चढ़ा, तो अल्लाह की तौहीद को भी कबूल किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर भी ईमान।